हेमंत मेड़ा, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र घाटोल, जिला बांसवाड़ा। सिर्फ ऑडियो आ रही है, वीडियो प्ले करें। इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का विश्वास, उनका भरोसा, उनका ध्यान रखना और शिक्षा के क्षेत्र में नए शिक्षा स्तर को मजबूत कराना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लोगों को, आमजन को तकलीफ ना हो, सुविधा मुहैया कराना जिससे उनका स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, और इस क्षेत्र के अंदर युवा पीढ़ी जो रोजगार से भ्रमित हो रही है और उनको कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो रोजगार के नए आयाम उपलब्ध करवाना। क्योंकि हमारा क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र आता है, तो इस टीएसपी क्षेत्र में हमारे आमजन की समस्या मूल, जैसे जल, जंगल और ज़मीन की बात आ रही है, तो उसको लेकर उनके संरक्षक के रूप में सदैव उनके साथ खड़ा रहना और भयमुक्त इस क्षेत्र को बनाना, और जहां असिंचित क्षेत्र है तो वहां सिंचित क्षेत्र के रूप में केनाल और नहरों के माध्यम से उस क्षेत्र को हरा भरा कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समस्त जाति धर्म के लोग हैं उन लोगों के बीच में आपस में सौहार्द बनाने का मेरा मकसद रहेगा। जय हिंद। ये हेमंत मेहड़ा जी, आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उसमें बहुत ही संघर्षशील होकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आदिवासी बेल्ट होने के नाते बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन इसके बावजूद आप संघर्ष कर रहे हैं। आपके इस संघर्ष को हम सलाम करते हैं। फोकस भारत आपके इस संघर्ष को सलाम करता है। अब मैं निवेदन करूँगा हेमंत मेहड़ा जी से कि वो मंच पर पधारें और उनके साथ सवाल जवाब करेंगी पत्रकारिता में उभरती हुई चेहरा उन्नति भरावा। उन्नति से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए और हेमंत मेहड़ा जी के साथ सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करें। हेमंत मेहड़ा जी घाटोल विधानसभा सीट से हमारे बीच में आते हैं और बहुत ही संघर्षशील युवा नेता है। उन्नति उनका इंटरव्यू करेगी, उनके साथ सवाल जवाब करेगी और जो थीम है न्यू राजस्थान, उसको साकार करने की ये मुहिम जो फोकस भारत की है उसको लेकर इस सेशन में बात करेंगी उन्नति और हेमंत मेहड़ा जी। हेलो, हेलो, स्वागत है आपका हेमंत मेहड़ा जी। थैंक यू फोकस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आदिवासी जो एक क्षेत्र है वो अभी भी एक पिछड़ा वर्ग है, तो इसको उत्थान, इसके उत्थान के लिए आपका क्या विजन है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप पूरे राजस्थान वासी जानते हैं कि साउथ सेक्टर जो बांसवाड़ा उदयपुर संभाग है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और निश्चित तौर पर यहाँ आदिवासियों की रिजर्व सीटें हैं, और अमूमन जहाँ इतने समय से जो भी हमारे इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन नेताओं ने अपनी पूरी पुरजोश कोशिश करी है, लेकिन जो भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन हमारे उस क्षेत्र वागड़ क्षेत्र को जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर हमारे मैक्सिमम टीएसपी क्षेत्र जो आदिवासी बहुमत है उनके प्रति कोई अपना रुझान नहीं दिखा है, उनको डेवलपमेंट को लेकर ना ही कोई काम किया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि आदिवासियों को, उस वर्ग को थोड़ा उभारने की ज़रूरत है और हर क्षेत्र में उनको लाने की बहुत आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की बहुत कमी दिख रही है हमें, क्योंकि युवा होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि आदिवासियों को बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग द्वारा शोषण हो रहा हो और किसी भी काम के मामले में भी हो, तो ये चीज़ मैं एक युवा होते हुए देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार हो, हालांकि अभी अशोक गहलोत जी ने कुछ स्कीमें युवाओं के लिए और उस क्षेत्र के जो आदिवासी भाइयों के लिए एक स्कीम जो महंगाई राहत कैंप भी किए, तो उससे थोड़ा बहुत उन आदिवासी क्षेत्रों को राहत तो मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और ऐसी योजना निकले कि जो ऐसी दूर दूर क्षेत्र में फैले हुए उस आदिवासी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुहैया करवाया जाए, राहत मिलनी चाहिए जी। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ आप अपने क्षेत्र के लिए और क्या योजना देंगे? जी बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं, मेरा पूरा सबसे प्रथम मेरा ये रहेगा कि मुझे उन लोगों का विश्वास, उनका भरोसा जीतना है कि जिन्होंने मुझे उस काबिल वहाँ तक पहुँचाएंगे, और जहाँ तक सड़क और बिजली की बात है तो निश्चित तौर पर सड़क हमारे काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पे आज तक भी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो और ग्रामीण सड़क है वहाँ पे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो रहा, हाल ही कागजों में दिख रही है। मैं आपको
कहना चाहूँ, आप स्वयं वहाँ की स्थिति जांच लें, PWD के माध्यम से भी जांच लें कि सरकार ना तो वहाँ कोई डामरीकरण की सड़कें मुहैया करवा रही है और ना ही ये जो ग्रामीण सड़क होती है जो ग्राम पंचायत स्तर पे, वहाँ भी कोई कार्य इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। तो क्षेत्र में काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत पड़ती है, बच्चों को अपने स्कूल जाने में बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है, कीचड़ जैसे रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो अगर मैं सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं सबसे प्रथम उस क्षेत्र को सड़क के माध्यम से मेरे सरकार द्वारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के अंदर उसका मुहैया करवाऊँगा और अपना उसके अंदर पूरा योगदान दूंगा ताकि उनका विश्वास अपने ऊपर बना रहे। और जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ट्राइबल क्षेत्र है तो वहाँ नलकूपों और कुओं से ज़्यादा फसल की जाती है, तो बिजली ज़्यादा मुहैया करवाई जाए, यह मेरा माध्यम रहेगा जी। जी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2030 में एक विकसित राजस्थान बनाने की जो बात है वो कही है, तो इस विजन 2023 के बारे में आपका क्या सुझाव है? जी बिल्कुल, गहलोत जी ने एक विजन 2030 का रखा है और वर्तमान सरकार में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजना दी है कि उसका लेकर वो 2030 की तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा तो उनसे ये एक युवाओं की तौर से एक सुझाव देना चाहूँगा कि युवा जो आज अनेक पढ़ने के बावजूद कई परीक्षाएं में वो बैठता है तो उस परीक्षा का जो परिणाम है उससे उनको अपने आप को ऐसा नहीं लगे कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने फॉर्म भरा और मेरी भर्ती नहीं हुई। हालांकि हमने कुछ भर्तियां देखी है जो सरकार को मैं गलत नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं कमियां रही है और जिससे आमजन वो युवा काफ़ी उससे नाराज़ भी है। तो इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवा कहीं कहीं मेहनत करता है, हमारे उस वागड़ अंचल से आके यहाँ जयपुर और जोधपुर और सीकर कहीं कई जगह इतना दूर आके पढ़ाई करते हैं और कितना खर्चा मुहैया करके उसको अपना समय निकालता है, अपना परिवार का समय निकाल देता है लेकिन उसको जब जहाँ जिस समय नौकरी की आवश्यकता होती है वो नौकरी उसे नहीं मिल पाती है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे युवाओं के लिए उस जो पढ़ने वाले ऐसे हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ योजना निकाल लें और हर क्षेत्र को इस चीज़ का फायदा हो जी। तो ये आरोप लगाया जाता है कि जो सरकार है वो बदल जाती है तो पहली जो सरकार होती है उसके योजनाएं बंद कर दी जाती है या बदल जाई जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ऐसी अमूमन बात सुनने में आती है लेकिन जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसी कोई योजनाएं जो कोई भी सरकारें हों जो सुचित रूप से चल रही है उसे बदलना चाहिए। निश्चित तौर पर हालांकि उसमें कुछ कमियां हों तो उसको सुधार करके उनको और लाभान्वित किस तरह से किया जाए उस योजना के माध्यम से, ये करना चाहिए, ना कि उसे बदल दिया जाना चाहिए। हाल ही हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि नरेगा योजना की बात कर रहे थे तो नरेगा योजना पिछले जो BJP की सरकार थी उस समय उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद कर दी थी और काफ़ी लोगों को वहाँ रोजगार मुहैया नहीं करवाया था, लेकिन आज भी हमारे अशोक गहलोत जी ने वापस उस रोजगार योजना को वापस चालू किया है। उसी के साथ एक नई योजना चालू करी उन्होंने शहरी रोजगार से माध्यम से जो शहरी के अंदर जो पिछड़े हैं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वो योजना मिल रही है। तो आने वाले समय में मैं कहना चाहूँगा इस तरह की योजना है उसे आप ना तो बदल के उसे कुछ और सुधार करके वो इसको सुचारू रूप से विधिवत चलाया जाए, ये रहेगा जी। जैसा कि आपको पता है कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है आज देश में, तो क्या आप एक भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र बना सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं ऐसे उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो अमूमन सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि किस विभाग में किस क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी सूचीबद्ध की जाएगी। सूचीबद्ध करने के बाद में वहाँ पे जो भी अधिकारी हो जो भी कर्मचारी हो उसको पाबंद किया जाएगा, मेरे और मेरी टीम एक बना के कि उसको किस तरह से रोका जाए और आम जन को ये तकलीफ ना हो कि भ्रष्टाचार से कितना क्षेत्र पिछड़ रहा है आपकी इस तरह के काम से, तो उन्हें मोटिवेट किया जाएगा और उन्हें इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त कराने में उनकी मदद लेकर मैं स्वयं उसको और आगे लेकर काम करूँगा जी। तो किसान जो है वो साल भर मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसकी फसल का उसको मूल्य नहीं मिल पाता, तो इस समस्या का क्या समाधान है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने अभी MSP किसान की बात करी है, हमने पूरे देश में देखा है अभी हाल ही कुछ
एक आध दो साल पूर्व के किसान को लेकर, किसान निधि को लेकर जो काले कानून को लेकर केंद्र सरकार ने किया, आज सड़कों पर उसका हाल था। तो वो क्यों था किसान उसको MSP लागू करने के लिए? अपन ने देखा कि पूरे दिल्ली पंजाब की सड़कों पर इतना ट्रैफिक जाम लगा रहा, कितना समय कितना बर्बाद हुआ, इस देश का बर्बाद हुआ, उस क्षेत्र का बर्बाद हुआ, लोगों का बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि किसान को आज भी MSP बिल्कुल रूप से, मूल रूप से नहीं मिल रही है। क्योंकि बेचारा किसान अपने किसी स्थिति में अनाज लेकर आता है, लेकिन अनाज को उगाने में उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद उसको जब बाजार में जब जाके वो उसको बिक्री करता है तो, लेकिन उसको जो रेट है वो नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का थोड़ा इसमें फोकस होना चाहिए कि इन लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। जी, तो चुनाव के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई क्या प्लान है आपका क्षेत्र को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मेरा तो सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मकसद है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम नए शिक्षा डेवलपमेंट को किस तरह से उस स्कूल और कॉलेजेस जैसे हैं वहाँ पे किस तरह से संचालित हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए शिक्षा के लिए, के वो काम किए जाएंगे। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो चिकित्सा में अभी हाल ही में चिरंजीवी योजना जो चल रही है उसको मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, हम लोगों के माध्यम से काफ़ी हो भी रहा है। और चिकित्सा के नए जो भी स्रोत हो, जैसे बीमारी जो भी आ रही है, कोरोना काल आया हो, हमने देखा बीमारी क्षेत्र में, तो उस समय हम लोगों ने एक यूथ की टीम ने जैसे जो भी निर्देश हुए प्राप्त हुए थे, हमने ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो भी मुहैया करवाए, कोरोना के जो भी मास्क सैनिटाइजर जो उस समय हमको करना चाहिए वो हमने किया, सरकारों ने तो किया, लेकिन हम लोगों ने भी हमारा यूथ का जो हमारा नेटवर्क था उसके माध्यम से भी किया। तो इस तरह जो आपातकालीन जो एक बीमारियाँ आ जाती है तो उससे किस तरह से हमें निपटें, ये हम लोग अपना विजन रखेंगे। और मैं आपको इस मन से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से भी पिछड़ा हुआ है माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज हो रहे हैं, ना वहाँ IT सेक्टर है। तो इस तरह का जो चीज़ है, हम चाहते हैं वागड़ अंचल में भी एक IT सेक्टर जैसा, वहाँ पे जो भी सरकारें आए तो वो उस अपने को विजन रखें वहाँ पे। क्योंकि हम लोगों को जयपुर, दिल्ली या जोधपुर या अन्य क्षेत्रों में इतना दूर आना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों बच्चे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें वहाँ पे इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो मैं सर्वप्रथम अगर उस मुकाम पे पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ पे नए इस तरह का सेक्टर खोलने की माननीय सरकार से निवेदन करूँगा और उन्हें मूल रूप से वहाँ पे आग्रह करूँगा। अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जी, जैसा कि जीतने के बाद तो सर्वप्रथम मैं सरकार हमारी बनेगी, हमारी सरकार का जो निर्देश प्राप्त होगा, जो उनका आदेश प्राप्त होगा, वो हमारे क्षेत्र में, मेरे इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र में मूल रूप से उसको चलाने का, सुचारू रूप से उसको चलाने का प्रयास करूंगा। फिर जो भरोसा, जो विश्वास लोगों ने मुझ पर जताया कि उस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं उन लोगों का भरोसा और विश्वास के तौर पर अपना जो भी काम होगा, जो विजन है, उसको उनके सामने क्लियर करके अपनी जनता के बीच में उनका काम करने का प्रथम मेरा दायित्व रहेगा। शुक्रिया आपका आज हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, फोकस भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत मेहरा जी, आप घाटोल जो कि आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं, बहुत संघर्ष आपने किया है, आपने जो आदिवासियों के लिए विजन रखा है, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपको मौका मिले, आपकी पार्टी आपको टिकट दे, और टिकट मिलने के बाद आप विधानसभा में जाए और दमदार तरीके से इस ट्राइबल एरिया की बात, उसके जो मुद्दे हैं उसको आप दमदार तरीके से वहाँ रखें, आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि केक कटिंग जो सेरेमनी है उसको अब आप केक, तो हेमंत जी आप केक कट करें, और पत्रकारिता में हमारी उभरते हुए सितारा है उन्नति, उन्हें भी आप केक कट, मैं चाहूँगा एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें। उन्नति ने बहुत ही बेहतरीन सवाल जवाब यहाँ किए हैं, उन्नति अपेक्स यूनिवर्सिटी से है और राजनीति की और पत्रकारिता की बहुत ही उभरती हुई छात्रा है, और जिस तरह से सवाल जवाब उन्होंने किए हैं हम उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं हेमंत मेहरा जी आप रुकेंगे, उन्नति थैंक यू, अब मैं कविता जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए और हेमंत मेहरा जी का मोमेंटो देखकर सम्मान करें। हेमंत मेहरा जी
आप घाटोल विधानसभा सीट से आते हैं और ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, युवा कांग्रेस में आपने जिस तरह से काम किया है, संगठनात्मक तौर पर भी आपने काम किया, अभी सदस्य भी है आप, और जिस तरीके से अपने क्षेत्र में आप जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी उस आवाज़ को विधानसभा तक लाए और विधानसभा में पहुंचकर दमदार तरीके से विधानसभा में आप अपनी बात रखें। सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, उससे पहले फोकस भारत को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा। 2015 में फोकस भारत डिजिटल मीडिया और न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी और फोकस भारत कहीं ना कहीं लगातार नए नए प्रयोग राजनीति में, पत्रकारिता में करता रहा है। राजनीति में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए भी फोकस भारत लगातार प्रयासरत है। 2018 में फोकस भारत ने राजस्थान में विमेन असेंबली समिट एंड अवार्ड का आयोजन किया था, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ और अलग अलग राज्यों में उन्होंने कार्यक्रम किए, हरियाणा में उन्होंने कार्यक्रम किया और राजस्थान में भी यूथ असेंबली समिट एंड अवार्ड का आयोजन किया। अब सवाल जवाब का जो दौर है, जो